व्हाट्स अप गाइस, कैसे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम लोग दोबारा खेलने जा रहे हैं ग्रैनी टू। तो गाइस आज वाली वीडियो में मैं करने वाला डोर स्केप। तो फिलहाल मुझे लगता है कि मैंने ना एक भी बारी डोर स्केप नहीं किया, तो आज वाली वीडियो में मैं करने वाला। वीडियो एंड तक देखना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यार वीडियो को लाइक भी कर दो। क्या जाता है एक सेकेंड का काम, वरना तो भाई ऐसे स्केप करूँगा ना आप लोग सोचते रह जाओगे। अब देखना चल बेटा, जल्द से डे वन दिखा दो, ये इनका अलग ही लुक है। जल्दी नहीं दिखाते हैं, मेरे को पता है डे वन शुरू स्टार्ट होता है, नूबड़े हैं बिल्कुल ही। ओके उड़ तो चुका है हमारा प्लेयर और साउंड अलग ही है। ये ना ग्रैनी टू में हमें बहुत छोटा कमरा दिया हुआ है, ग्रैनी वन में सबसे ज़्यादा बड़ा दिया होता है, वरना तो भाई अलग ही है। इतना छोटा कमरा ग्रैनी टू में तरस नहीं खाया लगता है, और ग्रैनी थ्री में तो अलग ही जेल में पैक किया होता है। ओके बस आते ही मुलाकात ना हो जाए, कुछ मिल जाए। और ये वाला एक्सक्यूब डोर वाला, हमें बिजली भी खटानी पड़ेगी और ये जो है लकड़ियाँ लगी हैं ये भी करना पड़ेगा। और बेटा बहुत कुछ है बेटा, ये नहीं मैं पकड़ने वाला, ये नहीं बेटा बोट एक्सकेप भी अभी भी मैंने किया। अगर आप लोगों ने बोट एक्सकेप वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाकर देख लेना। और ये डोर लॉक है ना, इससे हम लोग ग्रैनी को लॉक कर सकते हैं, लेकिन हाँ जी ना उसने लॉक क्या कर लेना, खोल लेना। हाँ जी वो किसी का लिहाज नहीं करती यार। क्या यार नीचे वाले फ्लोर में कुछ मिला ही नहीं, कौन चू बुनते। एक सेकेंड जो ग्रैनी क्या करोगी, मेरे पिछली वाली वीडियो में जो इसको पट्टे से दिए हैं ना बसों से चस सही है बड़ी। ओए ओए अबे ओए इसकी स्पीड है भाई, मेरे को लगा नहीं आ पाएगी जल्दी। चल बेटा तू आना है तो आ जा, अब तो मैं जा रहा हूँ पर तू ना लग गया बेचारे बच्ची को। अरे हाँ यहाँ पर पिछली वाली वीडियो में ना मैंने बहुत जल्दी बोट एस्केप कर देना था, गलती से गूंजी हो गया थोड़ा सा भूल। अबे आए नहीं करना बोट एस्केप बस। चलो यहाँ पर, अरे यार अबे कुछ तो मिल जाए इससे पहले के ग्रैनी ऊपर है। हेलीकॉप्टर एस्केप भी तो नहीं ना करना, आप लोगों को पता नहीं है क्योंकि ना डोर एस्केप की चीज़ें सबसे ज़्यादा कम मिलती हैं। यार बैंक की आँख क्या मिली जा रहा है कुछ भी, वो देखो जरा उधर खड़ी है, मैंने को पता था ये आ गई बस ऊपर। आ कुछ भी मिली जा रहा है, ये पकड़ लेते हैं, इसके कौन से पैसे कटते हैं, बस यहाँ भी पकड़ के रखो कुछ नहीं होता। अबे यार मेरे को कुछ तो मिला, मेरे रेंच मिला ना, अब वो हमें करना पड़ेगा मकड़े के पास जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को जाकर वेपन खोलना है, ग्रैनी को निपटाना है, उसके बाद मकड़े वाला काम करेंगे। ऊपर ही गोश्त पड़ा हुआ है, यार पिछली बारी बहुत ही खराब हुआ था, गलती से ना मैंने फास्ट नहीं किया तो गोश्त उसने खा लिया, सीधा मेरे को खाने आ गया। तो मैं उठी जा रहा हूँ, मेरे को मारी जा रहा है नल्ला बूढ़ा, लेकिन बूढ़ा नहीं बिना मारता चखता आहिस्ता आहिस्ता करके, फिर मैंने उसको निकल के एस्केप कर दिया। चल भाई ग्रैनी जल्दी से आ जा, तो भाई आने वाली होगी। चलो ग्रैनी जब तक आती है तब मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ले बेटा मिनट ही लगे आने में इधर। वो हाँ जी मकड़ा ने घंटी बजाई तो उसको खाना देने पहुँच गई भैंस की बूढ़ी, मेरी एमो जाया करा दी बोट ने। ओए एक आइडिया, हाँ ये भी तो चेक कर लूँ, यहाँ पर तो नहीं कुछ पड़ा। अब भैया भैंस की आज मैंने हेलीकॉप्टर एस्केप नहीं करना, हेलीकॉप्टर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसलिए सिर्फ हेलीकॉप्टर ही मिल जा रहा है बोट के बच्चे। चलो बेटा जल्दी से ना मैं वो पकड़ दूँ, क्या चाहिए भाई गोश्त। अबे गोंचू वही पहले ना ये हटाते हैं, यहाँ पर भी होता है कुछ ना कुछ, ये भी कर ही लेते हैं अभी ना गोश्त वाला। बैंस की क्या गोंचू है ब्रो, क्या करना क्या चाहते हो तुम, गदर गदर कैम ये भी हटा ही लेता हूँ। चलो बेटा मेरे को पता है इसके ऊपर आइटम गिरा के भी इसको हटा सकते हैं, हो सकते हैं कुछ लोगों को ये ट्रिक ना पती हो लेकिन मैंने बता दी पती ब्रो खत्म। ओ ये बात इसे कहते हैं ना किस्मत, जल्दी से जाके ये वाली वायर भी तोड़ दूंगा, लेकिन ना पहले मेरा काम स्पाइडर वाला है। ये गोश्त इधर फेंक दो, मैं इधर ये लो मैंने फेंक दिया, और जल्दी से लेकर आते हैं रेंच, लेकिन काम नहीं हो पाएगा मेरा। ओ ये भी पकड़ ही लेते हैं, सामने ऊपर ही सीधा गोलियाँ पड़ी हुई हैं, चेक करो जरा गोलियाँ ख़त्म हुई, मुँह खुल गया पूरी गोली का हल, जल्दी पकड़ भाई। अब इसको मैं यहाँ से फेंकता हूँ नीचे को, बल्कि यहाँ से नहीं यहीं से फेंकेंगे। चल पुत्र इधर रख दे तो ताकि ना पकड़ने में, भैंस की क्या गोंजू है, चलो जल्दी से पकड़। तो मैंने सोचा कि ना टेबल के ऊपर रख दूंगा तो जल्दी से पकड़ा जाएगा, लेकिन नहीं
हमें तो नीचे गिरा ना। हाँ जी, जल्दी से जाके स्क्रू उसका टाइट कर देते हैं, जल्दी से खोल देते हैं मतलब स्क्रू। और कुछ तो नीचे पड़ा होगा, नहीं पड़ा होगा यार, किस्मत ही खराब है, लेकिन मैप लगा रखा मैंने। अब ग्रैनी ने भी आ जाना है, क्या करूँ, पहले गोश्त का काम कर लूँ क्या, कर लेते हैं ना बाढ़ में। हाँ बेटे, मेरे हाथ में गोश्त है मेरे को, अगर तूने कुछ कहा तो मैं तुझे ना आधा आधा करके खाऊंगा। अबे ओए, भैंस की टांग क्रोबार मिला, भाग यहाँ से, खा जाता है मिनट में, झिकिया मारता थोड़ी थोड़ी करके। क्या बात है भाई, क्रोबार मिल गया। क्रोबार से ना दो दो डब्बे खोलूँगा, मतलब समझ लो दो सामान मिलेगा, और वो भी आला आला। मेरे को पता है हाँ डोर का मिलने वाला है, यहाँ से कोई डोर हैंडल मिलेगा या तो फिर व्हील मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। वाह, देख रहे ना, इससे कहते हैं प्रो बंदे, हमको सब कुछ पता है कहाँ से क्या मिलने वाला है। इसको इधर ही पड़े रहने देता हूँ, जल्दी से आगे उठाते हैं गन, ग्रैनी उठ गई होगी, उसको निपटा देते हैं ध्यान से। करो मेरे को ना इतने तेज साउंड नहीं आ रहे। अरे भैया जल्दी हो जा, अब ना ग्रैनी आएगी क्योंकि तुम्हारे भाई ने शोर कर दिया। चलो ग्रैनी आती है तब मैं आप लोगों से मिलता हूँ। अब देखना साथ ही आ जाएगी बोट। चलो भाई साथ ही आ चुकी है बोट, है तू तो पूरी पूरी। देखो मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मैं नीचे बैठा हूँ, नीचे हो गए पकड़ ले पूरी पूरी। ओए ऊपर कितने जा रहा हूँ, गन को इधर फेंको, रो बार फट लो। ये इस बार मैंने सही करके फेंकी भी नहीं, खुद ही चढ़ेगी। ओके, क्रोबार से जो लकड़ियाँ ना ये भी उतर जाएंगी। गुड हो गया, ओए हुए हुए बहुत ज़्यादा ही गुड हो गया है ब्रो, हैंडल मिल जा, गेम कंप्लीट है। हाय कूड़ा क्यों दे रहा है भाई, मैंने मेरे स्कूटर से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी जी ओके, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डोर के बाहर इसको फेंकते हैं। उड़ भी कर रहा है तू, तुझे समझ नहीं आ रही, जल्दी से जाकर ना हैंडल ले तू। हैंडल यार नीचे गिराज में लगाना पड़ेगा, अलग ही गोंचू है यार। ओए इधर भी तो कुछ ना, ओए इधर ही है हैंडल, पहले व्हील किधर मिला था, इधर मिला था ना, बस सिक्योरिटी की चाहिए, फिर मेरे को मिलेगा हैंडल। ये तो हैंड व्हील है ना, फिर हैंडल मिलेगा मेरे को, जो कि डोर हैंडल है, और फिर वो डोर पर लगेगा और एस्केप है ब्रो। अभी मैंने ऊपर जाके ना कटिंग प्लायर से बिजली भी गायब कर देनी है, सब कुछ बेटा काम डन करके रखता तुम्हारे भाई, यानी छेती छेती एक्सकेप करता ना, कि भाई क्या ही बोलूँ, कुछ ज़्यादा ही प्रोनेस की फीलिंग आती है। अभी इसको हिलाना भी पड़ता है, बस खत्म, एक क्लिक का काम था। चलो बेटा जल्दी जल्दी ऊपर चलो, वो खुल चुका है, क्रोबार लेकर आओ। अब ना कहना पहले पहले मेरे को ना बिजली हटानी पड़ेगी। ओके हो तो रहा है, अबे अबे तेरी बैड लोग की भी चाहिए होती है। वो भाई साहब खतरनाक सीन है, अब जल्दी से ना प्लायर्स पकड़ते हैं, कटिंग प्लायर यहाँ। उबे हुए मिले कहाँ से थे, हैं अरे यार किधर से मिले थे मेरे को यार। गाइस आप लोगों को याद हो सकता है, मेरे को नहीं याद आ रहा, इधर हाँ इधर ही से, अरे यार इधर से भी नहीं मिले, वो पेड़ कहाँ से मिले थे इसकी, क्या चूने बाज है, यहाँ से तो नहीं। अबे मिले कहाँ से थे यार मेरे को प्लायर्स, ऊपर से मिले थे मुझे पता है, किचन से। हाँ ये इधर पड़ा हुआ है ना, इधर ही है ना, वहीं पर है किचन से, हाँ किचन से ही मिला था मेरे को, याद कितना था। ओके जल्दी से ना तोड़ देता हूँ, ग्रैनी भी जिंदा हो गई होगी। यस सिक्योरिटी की ब्रो, खतरनाक सीन है, मेरे को लगा नहीं था इधर हो सकती है। डोर हैंडल निकाल, खैर डोर हैंडल भी यहीं से मिल ही जाएगा सेफ के अंदर से। भाई ज़्यादा ऊँचे बोलने का ना दिल भी नहीं ना करता, साउंड भी तो सुनने होते हैं ना, क्योंकि आप लोगों से बात ही करते रहूँगा क्या, साउंड नहीं सुनूंगा। उबे क्या खतरनाक दिख रहा है यार, सारी वो भी बिजली मैंने बोला था ना गायब हो जाएगी, डोर हैंडल क्या बात है, फिट कर भाई। अब यहाँ से पकड़ता हूँ बेटा, पूरा सीन शॉर्ट है पूरा पूरा। अब ग्रैनी आएगी तो उसका मार दूंगा, क्या बात है बेटा। चलो ग्रैनी का बाहर का इंतजार करता हूँ, तब मैं आप लोगों से मिलता हूँ। वाह क्या गेम है, वाह जी वाह, साथ ही आ जाती है बुड्ढी, क्या निकल इसकी तो कोई औकात नहीं हो रही ब्रो, क्या मार दे रहे इसको। यहाँ से ना एमोस भी उठा लेता हूँ बेटा, सब कुछ मेरे को पता है, इतना तो इंटेलिजेंट हूँ। अरे यार ना कर भाई, इतनी सेंसिटिव वीडियो ना थोड़ी सी काम करनी पड़ेगी, कुछ कुछ जगह पे एहसास होता है, थोड़ी सी तो कम करनी पड़ेगी।
यार की रहती है भला, गिराज में पड़ी हो नीचे बोर्ड की की के पास, हो सकता है यार। वैसे मैंने केड़ी जगह नहीं चेक की, वो ये सिंपल है ब्रो, ऐवें नीचे आ गई हूँ यार मैं, तो दिमाग खराब हो रहा है। ये देखो यहाँ पर भी कुछ तो पड़ा होता है, ऐवें नीचे आया हूँ। सिक्योरिटी वाला दरवाज़ा मैंने क्यों खोला है, वहाँ पर पड़ी है ना। चलो चलते हैं ना, चल भाई भाग 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 भाग, यहीं से चल लेते हैं, ज़्यादा जल्दी पड़ेगा। चल 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 ब्रो, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जल्दी जा रहा हूँ एक ही हाथ में। चलो जी ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर जाओ बेटा, स्पीड रनिंग हमारी चलती रहती है। 10 मिनट हो गए, पैडलॉक की निकाल यहाँ से, मेरे को पता है पैडलॉक किधर ही है। ला बोर्ड का सारा सामान मिल जा रहा है, वाह ये लो, मेरे को पता है और बड़ी कैसे हो सकता है इसके। ये देखना नीचे से जाकर ना गाल निकला दे, गाल से वो फोड़ते हैं उसी तरह, जाके कटिंग प्लायर्स उसको भी तोड़ देते हैं, अंदर से निकलेगा नोस फ्राटू। ये बोए अगर किसी किसी बंदों को नहीं पता होगा, तकरीबन ना सारे बंदों को नहीं पता होगा कि अंदर से नोस फ्राटू निकलता है, जो कि ग्रैनी 4 में आ चुका है। हाँ जी जी, ग्रैनी 3, ग्रैनी 2 में उसकी हिंट दे रखी थी। यस चलो जाकर जल्दी से खोल लेते हैं, पहले उसको मारते हैं गोली, यहाँ से एक और गोली रीलोड कर लेंगे। चलो ये खुल गया नीचे से, एक और गोली डालते हैं, अभी तक ग्रैनी जिंदा नहीं होगी इतना तो मेरे को पता है। चलो अभी मेरे को जाके लेने हैं कटिंग प्लायर्स, ताकि मैं जाके वो खोल सकूँ। ओपे यार क्या करना, क्या जा तू क्या कौन चू इंसान हूँ मैं, इसको मैं फेंक दूँ इधर, मूड हो गया। यहाँ से ये पकड़ते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, अंदर चलते हैं। या बॉय क्या खेलने लग गया हूँ आजकल मैं, अब बड़ा सारा सीन सॉर्ट है। अब मैंने जाना है सीधा पैडलॉक की लेनी है और निकल जाना है घर से बाहर। तो ये पैडलॉक की के अलावा कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि बोट वो हेलीकॉप्टर का भी सारा सामान मिल गया और बोट का भी, अब बची थी पैडलॉक की। नोस फ्राटू देख रहे हो ना, बंदा अभी गायब हो जाएगा रे, ये सीधा दो अपनी शक्ल तो दिखा, देख लो मैं इसको जैसे ही छूता हूं ना साथ ही गायब होने लग जाता बुढ़ा। एक सेकंड, मैं तो कहता हूँ ग्रैनी को मारे बगैर ही भगते हैं। आज भगो भगो यार, मैं एक भी बारी नहीं मरता ब्रो, ये गेम ना अनबिलीवेबल है, खतरनाक गेम खेलने लग गया यार मैं। सामने ही है वो यार, कैसे इसको चढ़ा के ना जाऊँ, चले जाऊँगा अभी भाई। हाँ जी ग्रैनी, हाँ जी बेटा, जो ए, मेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन इसको क्या बता, तुम्हारा भाई जा रहा है एस्केप। ओहू गाइस, अगर आप लोगों को मेरे एस्केप इतनी जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट पसंद आते हैं, तो जाकर यार वीडियो को लाइक किया करो, देखो देखती रह गई ब्रो, खतरनाक है तू, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती यही समझ। हाँ मुँह के अंदर ही कैमरा घुसा रहा है, मेरे को पता है उसके दांत बहुत ज़्यादा गंदे हैं। चलिए गाइस, अगर आप लोगों को ये अगली वीडियो भी पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह। मस्त है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।